नमस्कार, द लिटल हिंदी के बरेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपने प्रस्तोगी। आइए फटाफट अंदाज में जानते हैं कि आज बरेली में दिनभर क्या रहा। घने कोहरे और शीतलहर के चलते 2 दिन बंद रहेंगे स्कूल। बरेली में रविवार को घने कोहरे की चादर छाई रही। शीतलहर के कारण लोग दिनभर ठिठुरते रहे। जगह जगह लोग अलाव जलाते हुए नजर आए। रविवार को न्यूनतम तापमान 4 डिग्री और अधिकतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहा। घने कोहरे और भीषण ठंड को देखते हुए डीएम रविंद्र कुमार ने सभी बोर्ड के मान्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक दिनांक 15 और 16 जनवरी को अवकाश घोषित कर दिया है। जिला विद्यालय निरीक्षक देवकीत सिंह ने अवकाश को लेकर पत्र भी जारी कर दिया है। पहाड़ों वाला मौसम देख दोगुना हुआ उत्तरायणी मेले का आनंद। उत्तरायणी मेले में दूसरे दिन रविवार को भारी भीड़ नजर आई। पहाड़ों वाला मौसम देखकर मेला घूमने आए लोगों का आनंद दोगुना हो गया। परिवार और दोस्तों के साथ लोगों ने मेले में जमकर शॉपिंग की और खाने पीने की चीजों का लुत्फ उठाया। मेले में पहाड़ी उत्पाद जैसे दालें, मसाले, बांस का अचार और गर्म कपड़ों की जमकर खरीदारी हुई। वहीं बच्चों के साथ युवाओं ने भी झूलों का मजा लिया। आइए आपको दिखाते हैं कि मेले में आए लोगों ने बातचीत में क्या कहा। मेला घूमी है? हाँ। कैसा लगा? मेरे को तो मेला बहुत पसंद है। लाइक हमारे जान पहचान वाले ही करवाते हैं, तो मैं तो पहले दिन भी आई थी। कहाँ से आया? मैं वैसे तो अल्मोड़ा से हूँ, उत्तराखंड। यहाँ बरेली में सिविल लाइन्स पढ़ रही है? नहीं नहीं, मेरा घर है यहाँ पे। मेले में जैसे अगर हम देखें तो एक तो घूमने लोग आते हैं, और क्या क्या जो पहाड़ की चीजें यहाँ आती है क्या बताना चाहेंगे, क्या क्या लोगों को देखना चाहेंगे? अरे बेसिकली मतलब मेला उत्तरायणी एक त्यौहार होता है हमारा पहाड़ियों का। तो ये पहले तो जो वहाँ के लोकल स्टार्टअप्स या फिर जो दुकानें हैं उनको, हैंडीक्राफ्ट वगैरह, उन सबको बढ़ावा देने के लिए के मेला लगता है। दूसरा हमारी पहाड़ की संस्कृति को बताने के लिए सबको, जो वहाँ से मसाले आते हैं, अचार आता है और क्या क्या आता है ये बताइए। जैसे कोठियाँ होती हैं, कोठी जो अंदर पहन जाती है ना पहाड़, उसके लिए बहुत फेमस है। और बाल मिठाइयाँ, बाल मिठाई पहाड़ में बहुत मतलब बहुत फेमस मिठाई है बाल मिठाई पहाड़ की, वो आती है यहाँ पे। और बहुत सारे गरम गरम कपड़े, मोजे, मफलर वगैरह। और सिरौली में युवक की ट्रैक्टर से कुचलकर निर्मम हत्या। सिरौली थाना क्षेत्र के गांव डालचंद गोटिया निवासी 40 वर्षीय जमुना प्रसाद खेती बाड़ी करते थे। वह शनिवार रात खाना खा रहे थे। इसी दौरान गांव के ही ईश्वरी प्रसाद, कुंवरपाल और परमेश्वरी उन्हें घर से बुलाकर ले गए, फिर शराब पिलाई और ट्रैक्टर से कुचलकर उनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी। रविवार सुबह बड़ा गांव पुलिस चौकी से मैच कुछ दूरी पर एक खेत में जमुना प्रसाद का छत विछत शव पड़ा मिला। शव को सड़क से घसीटकर लगभग 50 मीटर अंदर खेत में डाला गया था। चेहरा बुरी तरीके से कुचला हुआ था और आंखें भी निकलकर बाहर आ गई थी। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने तीनों पर शराब पिलाने के बाद ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या करने का आरोप लगाया है। जमुना प्रसाद के चाचा नेपाल सिंह ने तीनों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। मामले में एसपी देहात मुकेश चंद मिश्रा ने बताया कि मृतक के परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। घटना की जांच की जा रही है। आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आज दिनांक 14 जनवरी 2024 को थाना सिरौली में नेपाल सिंह पुत्र श्री रोशनलाल ने आकर सूचना दी कि उनके भतीजे जमुना प्रसाद पुत्र स्वर्गीय रामदास, जो कि 40 वर्ष के हैं, उनको उनके ही गांव के ईश्वरी प्रसाद, कुंवरपाल तथा परमेश्वरी बुलाकर शाम को लेके गए थे तथा इन्होंने उसको दारू पिलाकर ट्रैक्टर से कुचलकर इनकी हत्या कर दी है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची है। सभी उच्चाधिकारियों ने घटनास्थल निरीक्षण किया है। सबको कब्जे में लेकर पंचायत नाव पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई। सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आवश्यक विधि कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। शीघ्र ही सभी उपलब्ध तथ्यों की गहनता से जांच करके सत्यता के आधार पर आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी। नाथ नगरी हुई राममय, मंदिरों में रामकथा का आयोजन। अयोध्या में प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही नाथ नगरी बरेली राममय हो गई है। रविवार को मणिनाथ स्थित संतोषी माता मंदिर में कलश यात्रा निकालकर रामकथा शुरू हुई। इसी तरीके से सिरौली के श्री श्री 108 हरि बाबा आश्रम, ठिरिया निजावत खां स्थित शिव मंदिर, भोजीपुरा के गांव जमुनिया जागीर में शिव मंदिर, भरतौल गांव के शिव मंदिर समेत विभिन्न मंदिरों में भजन कीर्तन, रामायण पाठ और सुंदरकांड आदि का आयोजन किया गया। पीएम मोदी के आह्वान पर विशेष स्वच्छता अभियान शुरू। 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इससे पहले पीएम मोदी के आह्वान पर नाथ नगरी बरेली में सभी सरकारी दफ्तरों, धार्मिक स्थलों समेत सार्वजनिक स्थलों पर विशेष स्वच्छता अभियान शुरू हो गया है। रविवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद संतोष गंगवार, वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने अलकनाथ मंदिर से स्वच्छता अभियान की शुरुआत करी। दोनों ने मंदिर परिसर में साफ सफाई करी और लोगों से स्वच्छता पर बल दिए जाने की अपील करी। इसी तरह पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने आंवला के गौरीशंकर महादेव मंदिर परिसर में भाजपा पदाधिकारियों के साथ साफ सफाई करी। ऐसे ही ADGP सी मीना, SSP घुले सुशील चंद महान ने भी अपने अपने कार्यालयों में पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर स्वच्छता अभियान चलाया।
मकर संक्रांति पर बांटे गए खिचड़ी और गर्म कपड़े। मकर संक्रांति के अवसर पर शहर में जगह जगह आयोजन किए गए। गांधी उद्यान के पास पार्षद राजेश अग्रवाल ने खिचड़ी वितरित करी तो सिविल लाइन्स स्थित हनुमान मंदिर के पास फोटो जर्नलिस्ट सोसाइटी ऑफ बरेली की ओर से 101 जरूरतमंद लोगों को गर्म कपड़े वितरित किए गए। इस मौके पर उपजा प्रेस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर पवन सक्सेना, फोटो जर्नलिस्ट सोसाइटी ऑफ बरेली के अध्यक्ष अजय मिश्रा समेत तमाम लोग मौजूद रहे। कासगंज स्पेशल ट्रेन से टकराए गोवंशीय पशु थमे पहिए। बरेली सिटी से कासगंज जा रही कासगंज स्पेशल ट्रेन से रविवार को दो गोवंशीय पशु टकरा गए। इसे ट्रेन को बदायूं से पहले ही रोकना पड़ा। बताया जा रहा है कि गोवंशीय पशु ट्रेन के एक कोच के पहिए के नीचे फंस गए थे। कंट्रोल रूम को इसकी जानकारी दी गई, फिर काफी मशक्कत के बाद गोवंशीय पशु को ट्रैक से हटाया जा सका। इस दौरान करीब आधे घंटे तक ट्रेन बीच में ही फंसी खड़ी रही। पिता संग खाया खाना फिर कमरे में जाकर दी जान। सुभाष नगर थाना क्षेत्र में मणिनाथ निवासी 21 वर्षीय नितिन कुमार ने शनिवार देर रात पिता महेंद्र पाल के साथ बैठकर खाना खाया। इस दौरान दोनों में बातचीत भी हुई, फिर कमरे में जाकर नितिन ने फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। जब परिजनों ने उसका शव फंदे से लटका देखा तो उनके होश उड़ गए। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। डीएम ने शहीद सैनिकों के आश्रितों को किया सम्मानित। वृद्ध दिवस के मौके पर रविवार को डीएम रविंद्र कुमार ने शहीद सैनिकों के परिजनों को प्रशस्ति पत्र, शॉल और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया और वीर जवानों को उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए नमन किया। इस अवसर पर जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी कर्नल राघवेंद्र सिंह राघव ने बताया कि देश के लिए प्रदान की गई सेवाओं के सम्मान और मानता के प्रतीक के रूप में प्रत्येक 14 जनवरी को वृद्ध दिवस मनाया जाता है। फिलहाल आज के बरेली बुलेटिन में इतना ही। बरेली से जुड़ी ऐसी ही अन्य अपडेट्स पाने के लिए द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।